हूँ आपको डॉक्टर बनने के योग, डॉक्टर या जिसको हम आयुर्वेदिक डॉक्टर कह सकते हैं या होम्योपैथिक डॉक्टर कह सकते हैं, हर तरह के डॉक्टर बनने के योग कौन से होते हैं हाथ में, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक लाइंस ड्रॉ करना चाहूँगा। यहाँ पर जो लाइन होती है कुछ इस तरह से चलने वाली, जो शुक्र पर्वत को घेरती है, इसको कहा जाता है जीवन रेखा। कोई द्वारा से अच्छी तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ इसको। और यह लाइन जिसको हम माइंड लाइन कहते हैं, कुछ इस तरह से ज़्यादातर जुड़ी होती है इस लाइन के साथ। और यहाँ पर जो लाइन होती है इसको कहा जाता है हृदय रेखा। यह तीन मेन लाइनें हैं। इसके बाद जो हमें खास लाइनें चाहिए डॉक्टर बनने के लिए, वो हैं सबसे पहले सूर्य रेखा। एक कुशल डॉक्टर और रिप्यूटेड यानी मशहूर डॉक्टर बनने के लिए सूर्य रेखा का होना जरूरी है। कुछ इस तरह की, कम से कम इतनी लंबी सन लाइन होनी चाहिए। उसके बाद मस्तिष्क रेखा, यह जो माइंड के लिए मैंने पहले ड्रॉ की थी, यह बिल्कुल इस तरह की सीधी होनी चाहिए, बिना किसी आईलैंड के या बिना किसी बुरे मार्क के होनी चाहिए। और उसके अलावा हमें चाहिए एक भाग्य रेखा। भाग्य रेखा कुछ इस तरह से चलती है और ज़्यादातर ये यहाँ पर जुड़ी होती है या अलग से चलती है, शनि पर्वत तक पहुँचती। तो ये तीन रेखाएँ चाहिए। और उसके बाद हमें मंगल और बुध दो माउंट, यह जो माउंट है जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, इसको कहा जाता है मरकरी यानी कि बुध माउंट। यह काफ़ी अच्छा हो, उभरा हुआ हो। और उसके साथ साथ मंगल, एक तो इसके नीचे है मंगल का कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा मंगल का यहाँ पर आता है हथेली में, तो यह अच्छे हों, बिना किसी बैड मार्किंग के हो, तो एक योग बन जाता है जिसको हम डॉक्टर बनने का योग कह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक चिन्ह और है जो काफ़ी ज़रूरी माना जाता है डॉक्टर बनने के लिए, वो है खड़ी रेखाएं। बुध माउंट का उभरा होना भी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर तीन या चार ऐसी सीधी खड़ी लाइनें होनी चाहिए, तो व्यक्ति डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर जिसको हम कह सकते हैं, बनता है। सीधी लाइनें कुछ थोड़ी सी डीप होंगी तो उतना ही अच्छा है। तो एटलीस्ट तीन या चार अच्छी लाइनें ऐसे हों तो व्यक्ति डॉक्टर बनता है। और बुध पर्वत पर तीन अथवा चार लाइनें हों, यह व्यक्ति को मेडिकल क्षेत्र से जोड़ती हैं। और अगर बुध पर्वत ये लाइनें हैं और बाकी के निशान नहीं भी हैं, तो भी व्यक्ति मेडिकल क्षेत्र में जा सकता है। तो यह जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर बनेगा, तो मेडिकल लाइन में और भी बहुत सारी जॉब्स हैं, तो वो किसी भी जॉब में हो सकता है। क्योंकि यह जो लाइनें मैंने ड्रॉ की हैं, इसको पामिस्ट्री में कहा जाता है मेडिकल स्टिग्माटा, यानी मेडिकल लाइन से जोड़ने वाली ये लाइन जिसको मैंने अभी सर्कल किया है। यहाँ पर तीन से ज़्यादा, चार या पाँच भी हो सकती हैं, ऐसे खड़ी लाइनें होनी ज़रूरी हैं। इसके अलावा कुछ और योग हैं, यह तो थे जो मैंने अभी योग बनाया। एक कुशल डॉक्टर के यानी रिप्यूटेड डॉक्टर जिसका काफ़ी नाम हो जाता है लाइफ में, काफ़ी फेमस हो जाता है। इसके अलावा कुछ जैसे हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, होम्योपैथी के डॉक्टर होते हैं, उनके बारे में यहाँ बताने जा रहा हूँ। यदि दोनों हाथों में बुध पर्वत जो है यानी कि मरकरी माउंट विकसित है अच्छी तरह से, उस पर तीन लाइनें हैं खड़ी, यहाँ पर अभी मैंने चार ड्रॉ की थी, तो अगर कोई वैद्य है या उसको आयुर्वेदिक डॉक्टर हम कह सकते हैं, उसके लिए यहाँ कम से कम तीन लाइनें होनी चाहिए। यह बुध का क्षेत्र है, यह उभरा हुआ हो, तीन लाइनें हों ऐसी खड़ी हुई, और उसके साथ साथ अंगूठा थोड़ा सा गुलाई में हो और थोड़ी सी उंगलियाँ पतली हों, यानी यह चपटे नहीं होने चाहिए, गोल अंगूठा होना चाहिए, पतली उंगलियां होनी चाहिए, उंगलियां लंबी हों और बुध पर्वत पर तीन खड़ी रेखाएं हों, तो ऐसा व्यक्ति कुशल आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकता है या होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकता है। तीन से ज़्यादा लाइनें हैं और साथ में ये कॉम्बिनेशंस भी हैं, तो व्यक्ति जिसको हम कहते हैं डॉक्टर, इंग्लिश डॉक्टर जिसको हम कह देते हैं एलोपैथिक डॉक्टर कहते हैं, वो बनता है। अदरवाइज तीन लाइनें हों तो जो बाकी की पद्धतियां हैं जैसे आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, वैसी लाइन में डॉक्टर बनने के चांसेस काफ़ी होते हैं। और जिसके तेल में बुध पर्वत पूरी तरह से विकसित हो और कनिष्ठा उंगली, यह जो उंगली है जिसको हम कनिष्ठा उंगली कहते हैं, मरकरी की फिंगर भी कहते हैं, यह थोड़ी सी लंबी हो और इसका जो सिरा है यहाँ पर एटलीस्ट यहाँ तक पहुँचे, यानी अनामिका उंगली का पहला जो सबसे ऊपर वाला फैलेंज है, इसके मिडल तक ये लंबाई हो इसकी उंगली की, यानी कि थोड़ी सी और लंबी हो जाए उंगली ये। इसको मैं किसी दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ ताकि क्लियर हो सके। लगभग इतनी लंबी उंगली हो कुछ इस तरह से, यह उंगली इससे तो थोड़ी छोटी रहेगी लेकिन काफ़ी लंबाई में जिसको हम कह सकते हैं, उंगली काफ़ी लंबी हो और अनामिका के
फर्स्ट फैलेंज के हाफ तक पहुंचती हो और उसके बावजूद तीन लाइनें यहां पर खड़ी लाइनें भी हों मरकरी के ऊपर, तो ऐसा व्यक्ति भी एक सफल डॉक्टर होता है। और अगर इन सारे जो गुण मैंने आपको बताए हैं इसके साथ साथ मंगल पर्वत काफ़ी विकसित हो, मंगल पर्वत की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर एक कलर कुछ और चूज़ करते हैं ताकि आपको क्लियर समझ लग सके। यहाँ पर इस मंगल की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर जो इनर मार्स है यह अच्छा हो, कोई बैड मार्किंग इसके ऊपर ना हो, उभरा हुआ हो तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जिनका मंगल अच्छा हो तो ऐसा व्यक्ति सर्जन बन सकता है। बाकी के चिन्ह भी हैं, डॉक्टरी करने के बाद सिर्फ MBBS डॉक्टर तक सीमित नहीं रहेगा, सर्जरी की लाइन में भी काफ़ी आगे तक निकल सकता है, क्योंकि जो मंगल है ये हमें करेज देता है और सर्जरी करना उन्हीं लोगों के बस की बात है जिनके अंदर हौसला बहुत होता है। तो यहाँ पर यह अगर दोनों के दोनों मंगल अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति सर्जन भी बन सकता है, पर यदि अगर मंगल दबा हुआ है और बाकी के सारे गुण हैं, यानी यह जो मंगल है यह या दोनों मंगल जो हैं ये हल्के से दबे हुए हैं, लेकिन बाकी जो मैंने चिन्ह बताए जैसे सूर्य रेखा है और बुध के ऊपर खड़ी रेखाएं हैं, उंगली लंबी है बुध की, तो यह सारे चिन्ह हैं किसी व्यक्ति के हाथ में, और गुरु के ऊपर एक वरक का चिन्ह हो, यानी कि आपको बनाकर दिखाता हूं, गुरु जो माउंट है इसके ऊपर यहां पर एक स्क्वेयर का चिन्ह बनता हो, छोटा सा बारीक लाइनों का, यहां पर तो मैंने प्रॉपर स्क्वेयर का चिन्ह बनाया, बिल्कुल ऐसे स्क्वेयर नहीं होता, थोड़ा टेढ़ा भी हो सकता है, तो कुछ इस तरह का चिन्ह बनता हो। और साथ साथ ऐसे व्यक्ति के शुक्र और चंद्र पर्वत जो हैं यह काफ़ी अच्छे हों, तो ऐसा व्यक्ति किसी ना किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन करता है, जैसे कोई हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, कोई आई स्पेशलिस्ट होता है, ऐसे एक यहाँ पर स्क्वायर का चिन्ह बन जाए, बाकी के चिन्ह हों, और यह जो माउंट है जिसको हम कहते हैं मून का माउंट और वीनस का माउंट, जो ब्लू कलर मैंने ड्रॉ किए हैं अंगूठे के नीचे वाला जो पोर्शन है यह वीनस का माउंट है इतना एरिया, और मून का माउंट अच्छा हो। यहाँ मैं जो बात कर रहा हूँ स्पेशलाइजेशन की, उसमें मंगल का उभरा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि मंगल जब उभरा होता है तो व्यक्ति डॉक्टर होने के बाद सर्जन बनता है, लेकिन अगर मंगल ज़्यादा उभरा हुआ नहीं तो व्यक्ति स्पेशलाइजेशन करता है किसी खास फील्ड में, बेशक वो सर्जरी के फील्ड में ना जाए तो लेकिन उसकी किसी ना किसी और फील्ड में स्पेशलाइजेशन होती है। तो यह वीडियो मेरा स्पेसिफिकली था मेडिकल फील्ड से रिगार्डिंग, और अभी लास्ट जो बताने जा रहा हूँ वो यह है कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में और कोई चिन्ह नहीं भी है, यहाँ पर 3 से 4 या 5 खड़ी लाइनें किसी के हाथ में नजर आती हैं, तो ऐसा व्यक्ति हीलर होता है, हीलिंग में माहिर होता है, जरूरी नहीं कि वो मेडिकल फील्ड में जाए, हीलिंग उसके अंदर काफ़ी होती है, यानी ऐसा व्यक्ति धर्म गुरु भी हो सकता है, मेडिकल लाइन में भी हो सकता है, या किसी भी लाइन में समाज सेवक भी हो सकता है जो दूसरों के दुख दूर करता है, ऐसे लाइन्स उसके हाथ में होती हैं। तो यह मेरा वीडियो स्पेसिफिकली था मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपने सारे पॉइंट इस वीडियो में अच्छी तरह से क्लियर किए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।